हैं आप लोग, आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ साइटेशन जनरेटर। जी हाँ दोस्तों, ये जो वेबसाइट है ये आपके रिसर्च राइटिंग के लिए, आपके रिसर्च आर्टिकल के लिए, आपके बुक राइटिंग के लिए, थीसिस राइटिंग के लिए, व्हाटएवर जो भी आप लिख रहे हैं, जहाँ पे आपको रेफरेंस देना है, जहाँ पे आपको बिब्लियोग्राफी तैयार करना है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है और अपडेटेड ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे आपको हर एपीए, हर स्टाइल में, रेफरेंसिंग स्टाइल में, चाहे एमएलए हो, एपीए हो, जो भी हो, व्हाटएवर हो, वो आप स्टाइल में यहाँ पे रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि आपको सोर्स, जैसे मान लीजिए आपको क्या है, वेबसाइट है, बुक है, जर्नल है, और आपका न्यूज़पेपर है, या आपका एडवर्टाइजमेंट है, बाइबल है, नंबर ऑफ, यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेगा दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं आपको इतने सारे ऑप्शंस आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ऑनलाइन बहुत इजी वे है। मान लीजिए आप वेबसाइट करना चाहते हैं, चलिए मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ट्राई यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे आपको ये करना है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपली सबसे पहले आप यहाँ क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हैं, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, साइन अप कर लीजिएगा, फ्री में अप हो जाएगा। फ्री में ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने अभी बुक पे किया, अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा बुक। अगर ये आपके पास ISBN नंबर है तो ये सर्च इंजन सबसे कह सकते हैं कि भरा हुआ है, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट बुक का नाम भी डाल सकते हैं तो आपको आ जाएगा। ओके, जैसे मैं रूरल इंडिया डाल के सर्च करता हूँ तो अब देखिए मेरे पास कंटेंट आ जाएगा, जो भी रूरल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट है वो यहाँ मेरे पास आ जाएगा सर्चिंग में, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको जो पूरे डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाता है। ओके, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सा और क्या स्टाइल में आपको चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा स्लो मालूम पड़ रहा है, एक सेकंड देखेंगे। यहाँ पे अब रूरल इंडिया से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो भी बुक्स अवेलेबल है वो आ गया, जो एज इट इज आपका टाइटल है जो वो है वो एज इट इज डालेंगे तो यहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये साइट करना है, रूरल इंडिया लैंड पावर सोसाइटी वाले को साइट करना है, ठीक है। इस पर मैंने यहाँ आया, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया पब्लिशर ये वो, ठीक। अब इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो पूरा ऑप्शन आ गया है, इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ आपको अपना साइटेशन में ऐड करना है, तो ऐड करने का आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपको यहाँ पर सोर्स टाइटल, वॉल्यूम है, पब्लिकेशन हाउस, अगर मोर डिटेल में अगर कुछ आपको चाहिए तो वो करना है। फिर यहाँ पर कंप्लीट साइटेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको बाद आपको व्यू स्पॉन्सर्ड मैसेज कर लेंगे, कोई एक ऐड आपको शो करेगा, क्योंकि हम लोग फ्री में यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आपको ऐड मिल रहा है। तो साइटेशन मशीन का प्रो या प्लस वर्जन यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, उसमें ये सारे ऑप्शंस और फीचर मिलेंगे, आप उसको ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कंप्लीट साइटेशन पर हमने क्लिक किया है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका साइटेशन तैयार हो गया, बिब्लियोग्राफी तैयार हो गया, रॉबर्ट ये APA 7th के स्टाइल में आया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मज़ेदार बात देखिए कि एक क्लिक में कैसे आप जो चाहेंगे वो आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पे कि अब APA 6 और तमाम तरह की चीज़ें आपको हर कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि अब आप यहाँ कोई ऐड के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि MLA आप सर्च कर सकते हैं, आपको MLA चाहिए आप MLA ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी टैब में ओपन कर रखा है इसलिए ये इशू हो रहा है, इसलिए हम लोग एग्जैक्टली नहीं देख पा रहे। आप इसको सिस्टम में जब खोलेंगे तो आपको बहुत इजीली ये ओपन होकर सामने आएगा, और आप यहाँ पर से इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ कॉपी करेंगे काफ़ी अच्छा ये कॉपी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप पेस्ट कर सकते हैं जहाँ आपको पेस्ट करना है। तो ये तरीका है दोस्तों साइटेशन मशीन एग्जैक्ट परफेक्ट साइटेशन लिखने के लिए, ओके। और यहीं से दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो इन नोट्स हैं होते हैं, APA में तो नहीं होता है वो, जैसे कि टेक्स्ट साइटेशन सोर्स होते हैं तो वो भी आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, थोड़ा सा आज इंटरनेट का प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा सा सही तरीके से नहीं बता पाया, तो उसके लिए सॉरी। आगे भी इस तरह के वीडियोज़ के लिए, एकेडमिक रिसर्च के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार जरूर दें। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।